हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो हम लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट्स करवाए, उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। इंस्टाग्राम के मेरी एक पोस्ट थी, उस पर कमेंट्स करवाए, टैग करवाए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। मेल करवाए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम अब एक और नया स्टेप लेने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यह है दोस्तों, ये जो स्टेप है इसमें भी आपको मेल ही करना है। इस ईमेल आईडी पर आपको मेल ही करना है, इंक्वायरी वाली ईमेल आईडी पर। लेकिन इस बार तरीका कुछ अलग होगा, ठीक है। हम जो इसमें मेल करने जा रहे हैं, हम इसकी कार्बन कॉपी अलग अलग गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और HRD मिनिस्टर हो गई, CM होगा दिल्ली के, इन सब लोगों को हमको टैग करना है, ठीक है। टैग कैसे करना है, वो ईमेल के थ्रू करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली ईमेल करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मेल करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप साफ साफ समझ लीजिए, ये जो हम स्टेप ले रहे हैं इसको भी आप लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम ये जो बात पहुँचा रहे हैं, ये हम अपनी बात पूछ रहे हैं SOL से, और हम जो अपनी बात पूछ रहे हैं मेल के थ्रू, इस मेल की एक एक कॉपी जिनको भी हम CC के अंदर टैग करेंगे, इन सबको जाने वाली है। तो प्लीज़ इस मेल को आपको बिल्कुल फॉर्मल रखना है, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ हरकत मत करना। इस ईमेल को बिल्कुल फॉर्मल रखना है, ठीक है। ईमेल का एक कॉपी मैं आपको दे दूंगा, मतलब जो भी मेल बॉडी होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसका एक आइडिया लेके आप वहाँ पर उसको पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से फॉर्मल ईमेल बनाने की कोशिश करें इंग्लिश में, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी ना करें, और जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो वो एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपना एक फॉर्मल ईमेल बनाने की कोशिश करें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ईमेल करना है। दोस्तों, जब भी आपको किसी को मेल करना होता है, तो मेल करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली फ्रॉम, आपके यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आ जाती है ऊपर, और नीचे टू के सेक्शन में आपको जिस भी बंदे को आपको मेल करना है उसकी आप ईमेल आईडी लिख देते हो। यहाँ पर आज हम SOL को मेल करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली जो SOL की ईमेल आईडी है वो लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा दोस्तों टू का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए CC का ऑप्शन आएंगे और आगे BCC। अब CC का ऑप्शन क्या होता है, CC का ऑप्शन ये होता है कि CC कैटेगरी के अंदर हम जो भी ईमेल IDs एंटर करेंगे वो उन लोगों के पास आपका जो मेल होगा वो पहुँच जाएगा। और फिर अगर SOL आपके मेल का कोई रिप्लाई करता है, ठीक है, SOL आपके मेल का कोई रिप्लाई करता है, तो वो रिप्लाई जो है वो उन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जिनकी ईमेल आईडी आप इस CC वाले सेक्शन में डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम CC के सेक्शन में कुछ ईमेल आईडीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वो ईमेल आईडीज आपको इन CC के सेक्शन में डालनी है। तो CC के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको ये सब ईमेल आईडीज डालनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे cmdaily@nic.in और registrar@du.ac.in, vc@du.ac.in और dean.colleges@du.ac.in, minister.hrd@gov.in और connect@mygov.nic.in और narendramodi1234@gmail.com। ये सब ईमेल आईडीज आपको CC के सेक्शन में डालकर, ठीक है, और टू के अंदर जो आपका SOL इंक्वायरी वाला मेल है वो मेल डालकर आपको मेल बॉडी में एक फॉर्मल तरीके से लिख देना है कि भाई हमारा असाइनमेंट सबमिट करे हुए हमको 2 महीने हो चुके हैं, प्लीज़ आप हमारा रिज़ल्ट प्रोवाइड करिए। हमें पता लगा था कि जो रेगुलर के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट अगस्त के बिगनिंग में आ गया था, लेकिन आपने अभी तक हमारा रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करा है, तो काइंडली हमको जल्दी से रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दीजिए। क्योंकि जितना लेट रिज़ल्ट होगा उतना लेट हमारी पढ़ाई को इम्पेक्ट करेगा, उतना लेट हमारी क्लासेस शुरू होंगी, और फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो उससे पहले हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग कृपया करके हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करिए, ठीक है। इस तरीके का आपको मेल करना है, इंग्लिश में मेल करना है, क्योंकि ये जो मेल आप करोगे ये मेल इन सब IDs पर जाएगा जो मैं आपको CC के सेक्शन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेल करना है, और एक जो मेल की कॉपी है यानी कि जो बॉडी ईमेल बॉडी में जो लिखना है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और सब्जेक्ट में आप लिख देना डिले इन SOL ब्रैकेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2020। इस तरीके का आप एक ईमेल करिए, ठीक है, और ईमेल करने के बाद शांत हो जाइएगा, कुछ घंटों का वेट करिएगा रिप्लाई आने का। तो
यही सब आपको करना है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अभी तक वेबसाइट पर बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस है वो रिलीज़ कर दिया गया है, आप जाकर देखिए उसको। और बाकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इंग्लिश का आपको डीयू की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देखिए। और हो सके तो कोशिश ये करिए कि मार्केट से बुक परचेज करके अपनी जो भी प्रिपरेशन है थर्ड सेमेस्टर की वो स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जो एनुअल मोड वाले स्टूडेंट हैं, जो करेंटली सेकेंड ईयर के जितना असाइनमेंट दिए हैं उनका भी थर्ड ईयर का सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप उसको वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। और प्लीज़ आप इस मेल को बिल्कुल करिएगा, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।